संगरूर लोकसभा सीट उपचुनाव के रुझानों को लेकर संगरूर से भाजपा उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि जनता का फैसला सर माथे पर। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार से ये माना जा सकता है कि लोग इनके वादों को पूरा न करने पर निराश हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा पहली बार अपने बलबूते पर इस चुनाव में उतरी और उनको जनता का भरपूर समर्थन हासिल हुआ है। उन्होंने लोगों द्वारा भाजपा को दिए समर्थन से संतुष्टि जताई है। मैं यही गल कहना चाहता जी इस वेले कि जेडी इलेक्शन दा सुझान आ रहे ने उहदे विच सब तो वड्डी गल है कि मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी ने जिहड़े वादे कीते सी लोग बुरी तरह उस तो निराश हो चुके ने। पहला तो वोट परसेंटेज घट हुई है, हुण तुसीं पोलिंग दे विच उह ट्रेल कर रहे ने। तो इस करके मैं कहना चाहुंदा कि एक तो उन्होंने नकारिया गया कि वादे दे पूरे नहीं उतरे, कि यूजली की होंदा कि जिहड़ी रूलिंग पार्टी आ उह जितदी हुंदी आ। सो दूजी गल मैं कहनी चाहुंदा कि साडी बहुत वड्डी जित इस करके आ कि जो फतवा आएगा उह असीं सिर मत्थे मन्नदे आ। दूजी भारतीय जनता पार्टी ने पहली दफ़ा अपने सिंगल दे उपर इलेक्शन लड़ी है और असी 990 पिंड और 1800 बूथों के उपर अपनी बहुत वधिया प्रेजेंस, हरेक बूथ के उपर साडा बूथ लगे, साडे वर्कर बैठे आ। सो इस करके एक असी ये बीज दिता, बहुत सॉलिड फाउंडेशन भारतीय जनता पार्टी की रख दी है। 2024 दे विच पार्लियामेंट दे विच भी भारतीय जनता पार्टी इतों जितेगी और 2027 दे विच जिहड़ी अगली सरकार बननी है वह भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैं कहना जी हरेक पिंड 990 पिंड और 1800 बूथ, हरेक बूथ ते अज भारतीय जनता पार्टी के वर्कर बैठे ने, उन्हों की प्रेजेंस आ जिहड़ी कि असी पहली दफा अपने बैनर से लड़ी है। हले आ भी जिहड़े इनिशियल रुझान आ वह इस करके जो फतवा आ रहा मैं सिर मत्थे मानता भी लोगों का फतवा सब तो बड़ा फतवा होगा।